हाय गाइस, गुड इवनिंग. दिस इज पूजा. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. आज है फ्राइडे और गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के 4 बजे. यस, शाम को स्टार्ट कर रही हूँ. 4 बज चुके हैं एंड आई एम ऑल रेडी टुडे बिकॉज आई एम हेडिंग फॉर अ कोलैब जो कल मैंने पोस्टपोन कर दिया था आज. सो उस कोलैब के लिए जा रही हूँ मैं. और मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये सब मैं आपको जाके बताती हूँ. बट जिस जगह पे मैं जा रही हूँ, दैट्स वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. दो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन. यस, इट इज़ अ कोलैब जिसके लिए मैं जा रही हूँ. दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड सो आर द स्टाफ देयर हु आर वेरी वेरी फ्रेंडली एंड आर कॉन्स्टेंट इन टच विद मी वेदर आई डू अ कोलैब विद देम और नॉट. So, chalo, without wasting any time, let's get started and let me head in there and then I'll show you main kahan hoon aur kya karwane jaai aayi hoon and everything. Hi guys, toh hum log pahunch gaye hain jahan hame aana tha. I am at a salon. आई विल लेट यू नो कौन सा सलोन है एंड ऑल द डिटेल्स. आकृति मेरे साथ आई है टू हेल्प मी शूट. उसके वीकेंड की छुट्टियाँ हैं सो शी थॉट शी विल कम एंड हेल्प मी. वो भी थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ लेट शी इज़ इन अ लॉट ऑफ एग्जाम स्ट्रेस. तो इसलिए हम दोनों आए हैं. So this is where we are guys at Senja Spa. This is where I am. Actually I booked a cab lekin unfortunately cab nahi aaya. Then I requested my husband to drop me to wo chhod ke gaye hain. Like some water? Normal? Yeah, yes, please. Okay. For you? Thank you. But how is it going post-COVID and all? Badia? How about you? I believe the nail services for which I am here is in a separate area. So that's where I am heading. Okay, Anise, thank you. Yeah. पुराना रेडियो. वाओ, दैट्स क्वाइट अ कॉम्पैक्ट वन, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट रूम. सो दिस इज वेयर द नेल सर्विसेज हैपन एंड दे हैव इंट्रोड्यूस नेल सर्विसेज गाइस. सो जैस्मिन, आप बताओगे कि कौन से सर्विसेज अभी नेल्स के इंट्रोड्यूस हुए हैं सेंजा स्पा में? नेल आर्ट है, नेल एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन 3 टाइप्स के हैं. एक नॉर्मल एक्सटेंशन है, एक्रेलिक एक्सटेंशन है, जेल एक्सटेंशन है. ओह नाइस. सो बेस्ट कौन सा होता है इनमें से, जो लॉन्ग लास्टिंग है वो कौन सा होता है? एक्रेलिक लॉन्ग लास्टिंग होता है. ओके, ऑल राइट. जेल, नॉर्मल एंड एक्रेलिक. ओके नाइस. एंड उसके ऊपर नेल आर्ट होता है. जी. सो ये सर्विसेज अभी नई इंट्रोड्यूस हुई हैं. जी, और नेल आर्ट भी काफी टाइप का है. ओके, वो आप देखें और पसंद करें. ओके, श्योर श्योर. ऑल राइट. ओके, सो नाउ जैस्मिन ने मुझे चूज करने को कहा है. नाउ आई एम सो कंफ्यूज इतने सारे देख के. आई वांट सिंपल सोबर वाला. और द थिंग इज ना, मुझे बिकॉज मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रेसिपीज बनाती हूँ, चॉपिंग करती हूँ, वॉशिंग करती हूँ मेरे डिशेज वगैरह. सो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो जल्दी से मुझे मेरा ख़राब ना हो. ये टूटेंगे तो नहीं ना, इट विल हैव अ गुड लाइफ ना. बहुत कंफ्यूजन है. सो मामा आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हिच पैटर्न कलर चूज कर सकते हैं. नो, समथिंग ऐसा जो किसी भी ड्रेस, किसी भी आउटफिट के साथ जाए. लाइक जो ये है ना एनिमल प्रिंट, कोई भी कलर पे चलता है. ओके, ये कुछ दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग डन गाइज. आफ्टर इतनी कन्फ्यूजन और इतनी सारी डिस्कशंस के बाद ये फाइनल हुआ है. एनिमल प्रिंट विद ग्लिटर एंड प्लेन, या सेम कलर है ना? आई होप सो. चलो लेट्स स्टार्ट जैस्मिन. ओके,
आई एम क्वाइट स्केप्टिकल बिकॉज मुझे ये है कि चॉपिंग के टाइम, कुकिंग के टाइम या हड़बड़ी में काम करते वक्त निकल ना जाए, टूट ना जाए, बिकॉज इफ दैट हैपेंस आई विल गेट वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई एम गेटिंग इट डन फॉर द फर्स्ट टाइम. और सेंजा मेरे लिए इसलिए स्पेशल है बिकॉज मैं अपना फर्स्ट नेल एक्सटेंशन मैं पहली बार करवा रही हूँ एंड दैट इज इन सेंजा. और मैंने फर्स्ट टाइम हाईलाइट करवाया था बालों में, दैट वॉज ऑल्सो इन सेंजा. That was also a part of my Instagram collaboration. That was my first collaboration with Senza. Uske baad ek aur hua aur ye again. And that is why this place is very special to me. Because mere har aisi cheez jo maine pehli baar karwai hai, wo yahi karwai hai. So yeah, that way I have an emotional connect with them. So let's see aaj ka kaisa rehta hai. Agar process acha ho bhi gaya to bas mujhe yahi rahega back of the mind ki toote na, nikle na. Oh, amma, agar ho gaya na hai to okay. Yeah, it has to be okay. Agar nikal gaya to it has to be okay. There's no other choice. But yeah, I hope aisa ho na. Baki dekhte hain. Agar aapne pehle kabhi nail extension karwaya hai to please comment and tell me ki aapka kya experience raha. How long does it last? Etc. Main to pehli baar kara rahi hu to I will share my experience with you guys in future. Yeah, so let's get started. I think she's gone to get some tools, etc. So, जो भी है मैं प्रोसेस पूरा आपको दिखाऊंगी एंड आई होप यू एंजॉय एज आई डू. यू नो मेरा ऑल्सो मन था कि फ्रेंच मैनिक्योर रखूँ, फ्रेंच टिप रखूँ एंड सिंपल प्लेन रखूँ, बट जैस्मिन को लगा प्लेन, आई मीन नेल एक्सटेंशन में प्लेन कौन करवाता है. देन आई थॉट पॉइंट भी है, मैं इसीलिए प्लेन चाह रही थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना टिकेगा और कैसा लगेगा. बट शी सेड कि करवा रहे हो तो अच्छा करवाओ ना, वाई प्लेन. सो आई थॉट चलो ठीक है, लेट्स गो इन. एंड ऑफ लेट मुझे एनिमल प्रिंट, आई डोंट नो, मेरे फुटवेयर एनिमल प्रिंट के, मेरी ड्रेसेस, मेरे टॉप्स, एवरीथिंग एनिमल प्रिंट का आ रहा है. सो आई थॉट चलो इस बार नेल्स भी एनिमल प्रिंट के रखे. मेरा पर्सनल फेवरेट इज फ्रेंच टिप. या माई ऑल टाइम फेवरेट इज फ्रेंच टिप. फ्रेंच मैनिक्योर इज माई फेवरेट. बट देखते हैं ये करवा के. देखो राक्षसी. अब इसके नाखून चॉप चॉप हो जाएंगे. खा जाऊंगी मैं तुम्हें.